धोकर यात्रियों से भरी बस पलटी, बस में सवार सभी यात्री गंभीर रूप से घायल। सिंगरौली प्रशासन की अनदेखी से एक बड़ा हादसा टलते टलते बच गया। जब सिंगरौली से रीवा जा रही यात्रियों से भरी बस जियावन थाने के अंतर्गत रात 1 बजे खड़ौरा के पास नाले में पलट गई। इस दुर्घटना में बस में सवार दर्जनों यात्रियों को चोट लगी है। वहीं भीषण हादसा होने से टल गया। नेशनल हाईवे 39 पूरी तरह से बंद है, जिसके कारण सारी गाड़ियां दूसरे रूट से गलत परमिट से निकल रही हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। इस रास्ते पर चलने का नहीं था बस का परमिट। देर रात 1 बजे की घटना है। जानकारी के अनुसार ड्राइवर पर तेज रफ्तार से बस चलाने के लिए कंडक्टर दबाव बना रहा था। इन्हें पता था कि बस की कंडीशन खराब है, उसके बावजूद भी पैसों एवं सवारियों के लालच में काफी तेज रफ्तार से बस चला रहे थे, जिससे वाहन तिरछ होकर पलट गई, जिसमें ड्राइवर समेत सभी बस में सवार दर्जनों यात्रियों को गंभीर चोट आई है। डायरेक्ट घुमा के कल रात पेट्रोलिंग में था अपने स्टाफ के साथ में। 100 नंबर में कॉल आया कि खड़ौरा में नाला के पास एक बस पलट गई है, उसमें कई लोग दबे हुए हैं। तो स्टाफ के साथ में हम मौके पर पहुँचा, 100 नंबर में पहुँची। वहाँ देखा कि गौतम बस ट्रेवल्स जो गाड़ी से और रीवा जा रही थी, रात करीब 1 बजे खड़ौरा गाँव से पहले एक नाला पड़ता है, उसमें टर्निंग है। बस काफ़ी तेज स्पीड में थी, खतरनाक ढंग से वो चला रहा था, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाया और सामने जो है बस पलट गई, जिसमें लगभग 30 यात्री घायल हुए हैं। जब हम लोग मौके पर पहुँचे, जो कि साथ ही मौके पर पहुँचे, पूरा स्टाफ था, वरिष्ठ अधिकारी उनको बताया, निर्देश पर वहाँ पहुँचे तो बस के अंदर कुछ चीख चिल्ला रहे थे, कुछ बस से बाहर निकल आए थे, कुछ बस के अंदर थे। उनको सभी घायलों को, यात्रियों को निकाल कर के यहाँ जो घायल थे तत्काल यहाँ देवसर अस्पताल में उनको प्राथमिक उपचार कराया, और जो यात्री थे उनको भी लिया गया और संबंधित जगह के लिए उनके साथ में उपलब्ध कराया। तो अभी उनके पेशेंटों की क्या स्थिति है? पेशेंट ज़्यादा गंभीर घायल नहीं है। गनीमत ये रही कि किसी यात्री को ना तो गंभीर चोट आई, एक महिला का हाथ फ्रैक्चर हुआ, बाकी सभी को सामान्य चोट है। चालक के खिलाफ क्या मामला दर्ज होगा? हाँ, चालक के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है रात में। क्या दर्ज हुआ है मामला? 287, 337 और 184 मोटर के लिए खतरनाक ढंग से अपराध भी रात में ही पंजीकृत कर लिया था, और वो ड्राइवर खलासी और कंडक्टर जैसे बस पलटी गाड़ी छोड़ के भाग। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।